यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका होस्ट हुज़ैफ़ा साजिद एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ, और साथ में मेरे साथ हैं मेरे प्यारे और भाई प्यारे दोस्त और भाई अली हैदर। तो आज हम आए डब हंटिंग पे, कुकी हंटिंग पे। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा करवा दूँ, वो सामने बैठी हुई है तकरीबन 10 के करीब है। तो इंशाल्लाह आज हम फुल जोर शोर के साथ हंटिंग करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हम बहुत ज्यादा इंटरटेन करेंगे। पहले 3 शॉट तो हमने रास्ते में ही जीडी रोड पर लिए, कमाल के शॉट लगे, मजा आ गया। शिकारी से निशाना लगवाते भी हैं, उसे फिर कहते लेके भी आओ, क्योंकि भाई जी हम मोटरसाइकिल चलाते हैं और हमारे हाथ थर गए होते हैं। दूसरी जी भाई जान, वो सामने 40 यार्ड पे बैठी हुई है, ये देख सकते हैं आप। जी भाई जान पा दे राशि एक बारी, आज फिर जे उड़ी ना तो मैं पिछो लाहन नहीं तुम चपेड़ मार भी चढ़े ठा। माशाल्लाह सदके जावा है, मैं आख्या भी है कि गन लोड नहीं हुई। चलो ठा, गुड हो गया जी, गुड हो गया भाई जान। बाकी जाए ना गन नपी रखे और नस के जाए। आप भी थोड़ा सा पतले हो, मोटे हो जा रहे हैं। मेरे जिगर के टोटे। यार सही तरह भागो जल्दी। नहीं आपने आपने नहीं मारा इसको, ये बिगड़े जी। बिस्मिल्लाह करें जी, छोड़ दें जी, छोड़ दें जी। बिस्मिल्लाह ध्यान जी, बड़े सुकून नाल बैठी हैं, मीडियम मीडियम ठंड ला रहे। बिस्मिल्लाह चाकू काफी तेज है माशाल्लाह। चल ला साले लो जा। जैफा भाई जा रहे हैं, ये अगर ये बैठी हुई है, सॉरी नजर नहीं आ रही कैमरे में क्लियर, तारों में बैठी हुई है। इस पॉइंट पे तार के ऊपर तकरीबन 10-12 डब्स बैठी हुई थी, कैमरे में तो शायद नहीं नजर आ रहा क्योंकि भाई ने जूम नहीं किया। तो मैं धान की फसल के अंदर नीचे बैठ के गया ताकि नज़र ना सकूँ उनको, तो
तो वहाँ पर बैठ के मैंने शॉट लिया, शॉट लग तो गया लेकिन डब जख्मी हुई और दूर जाकर गिरी। ये उड़ना फिर पता चलना कितनी बैठी है। आह मज़ा आ गया, ये जो आवाज़ है ना क्या कमाल की आवाज़ है, आह दिल को सुकून आ जाता है ये आवाज़ सुन के। चलें दोबारा सुनते हैं ये आवाज़। जी भाईजान कैसी लगी आवाज़? अगर आप शिकारी हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। लग गई कमाल का लगा, लेकिन जिस वक्त को पैलेट हिट किया वो गई दूसरी तरफ थी, लेकिन भाई उसकी अपोजिट साइड पे देख रहे थे। जब हम उस डब को ढूंढने आए तो वहां पर हमें एक दरख्त बैठी फख्ता नजर आई, हमने उसको फड़का दिया। लेकिन जिस फख्ता को हम ढूंढने आए थे उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। चल 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 गुड हो गया, गुड हो गया। दीदी को लाभ दे, लाभ जाती है दीदी, इसको तो तकदीर कहना है, इसकी पहली तकदीर हो गई है। बिस्मिल्लाह जी, दूसरी ढूंढ लें जे गिरी है पहले, ये नहीं भाई पकड़े ये आप ढूंढने जा रहे थे, मेरे को चलते चले जी इन्हें ढूंढने दें। मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ, शेर अर्ज किया है, इतना तो हौसला मेरे जज्बों को देखूंगा, इतना तो हौसला मेरे जज्बों को देखूंगा, कत्ल किए हयात का शिकवा ना कर सकूं, शबनम की तरह गिर के भी खामोश ही रहूं, खुशबू की तरह दर्द का चर्चा ना कर सकूं। ओ माशाल्लाह दाफा भाई कमाल, 54 यार्ड और नीचे मुझे लगता है पानी है तो भरा ले फड़ा दे मिठू। ये हमने कहा भाई साहब, भाई साहब को कहा क्योंकि नीचे दरमियान में नाला और पानी मुझे लगता कुछ तो ही है। कहाँ उठ जाना नहीं हो, कहाँ उठ जाते हैं, कहाँ उठे हैं, कहाँ पवे तो मार रहे हैं, मार देना ही तेन कहाँ सही कोई ये बह गया कोई तो नहीं बच गया इंशाल्लाह। ये भी हमारी गन गड़बड़ कर रही है, सुबह सुबह मिस कर रही है शॉट, 70 यार्ड पे भी मिस हो रहे हैं। तो बड़ा प्यार हो गया भाई जान, ये प्यार बड़ा कर रहा है भाई, ओ सामने की है, सामने की है थले कार दिखाए यार भाई, सामने वो देख सकते हैं आप, ये सारे जंगली कबूतर बैठे हुए हैं और सामने खेतों में भी खेत भरे हुए हैं, नीचे इतने कबूतर आए हुए हैं हमारे एरिया में। अब हम जाएंगे दरख्तों के पास, उधर जाके कैमोफ्लेज होंगे, अगर ये उड़े ना तो इंशाल्लाह गिराएंगे हम। बस बस जी, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही इंशाल्लाह अपलोड होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।